सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें इस दावे के साथ शेयर की जा रही हैं कि असम कांग्रेस के नेता अमजद अली को हथियारों और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। पहली तस्वीर में हमें एक शख्स दिखता है जिसने हथकड़ी पहनी हुई है, साथ में कुछ पुलिस वाले भी हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में एक कारतूसों से भरा बोरा दिख रहा है, साथ ही कुछ हैंड ग्रेनेड्स भी हैं। ट्विटर हैंडल @तेजशाह9 ने ये तस्वीरें इसी दावे के साथ ट्वीट की कि ये असम में कांग्रेस नेता अमजद अली हैं। इस तरह के कई पोस्ट मिलते हैं, सभी में कमोबेश यही दावा है। दावों के मुताबिक अमजद अली गैर मुस्लिमों को मारने का प्लान बना रहा था। ये सभी दावे गलत हैं। ऑल्ट न्यूज अपने दर्शकों को बताना चाहता है कि ये तस्वीरें साल 2018 से इसी दावे के साथ शेयर हो रही हैं। हमें असम के कांग्रेस नेता अमजद अली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, इस नाम के पश्चिम बंगाल के एक तृणमूल कांग्रेस के नेता जरूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका चेहरा वायरल हो रही तस्वीर में दिखने वाले शख्स से जरा भी नहीं मिलता है। इन दोनों तस्वीरों की सच्चाई क्या है, ऑल्ट न्यूज आपको इससे रूबरू करवाएगा। हथकड़ी पहने खड़े शख्स की तस्वीर हमने गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च की, हमें ये 2018 के एक ब्लॉग में मिली। ब्लॉग के मुताबिक तस्वीर में दिखने वाले व्यक्ति को बांग्लादेश के मीमेन सिंह जिले से गिरफ्तार किया गया था। मुबारक हुसैन नाम का शख्स एक मदरसा टीचर था जिस पर एक 13 साल की लड़की का रेप करने का आरोप लगा था। इस ब्लॉग के अनुसार विक्टिम ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस फोटो में दिख रहे पुलिस कर्मियों की यूनिफॉर्म मीमेन सिंह जिले की पुलिस यूनिफॉर्म से कंपेयर करने पर यह बात साफ हो जाती है कि यह तस्वीर बांग्लादेश की है। अब बात दूसरी तस्वीर की, इसे रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 29 अक्टूबर 2018 का जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ट्वीट मिला। ट्वीट के मुताबिक श्रीनगर के बाहरी इलाके में से 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए थे। 30 अक्टूबर 2018 की ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट बताती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों को श्रीनगर के नूरा अस्पताल के पास हुई गोलाबारी के बाद गिरफ्तार किया। यानी दो अलग अलग घटनाओं की तस्वीरें असम कांग्रेस के एक ऐसे नेता के नाम पर शेयर की गई जो है ही नहीं, और एक मनगढ़ंत शख्स की कथित तस्वीरों के साथ ये झूठा दावा किया गया कि उसे पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।